पिछले दोनों वीडियो में हमने आपको वात के बारे में पढ़ा दिया, वात के बारे में क्या क्या फंक्शन होते हैं वो पढ़ लिया, पित्त के हमने गुणधर्म देख लिए हैं और पित्त का स्थान क्या होता है वो हमने देख लिया। आज के वीडियो में पित्त के कर्म क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कर्म है पित्त हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। तापमान को नियंत्रित रखना, अब आप बोलोगे यार ये आयुर्वेद में कैसे लिखा हुआ है। शरीर के अंदर जो भी गति चीज़ें होती है, जो टेम्परेचर हमारा मेंटेन होता है, ब्लड का एक टेम्परेचर मेंटेन है, इंटरनली हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका एक टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसे मेंटेन रखने का काम पित्त का होता है। तो पित्त स्वाभाविक रूप से उष्ण है, शरीर के अंदर उष्णता को बनाए रखने का काम करता है। दूसरा दर्शन, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी चक्षु इंद्रिय है, जो नेत्र हैं, ये आलोचक पित्त का एक मुख्य स्थान होते हैं। तो जो देखने का काम है, हमें देखना, नहीं देखना, कैसे देखना, सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारी जो बीमारियां होती हैं, ये सारी जो कंडीशन होती हैं, ये पित्त के कारण होती हैं। तीसरा वर्क होता है पाचन कर्म करना। भोजन का जो पाचन है उसमें मुख्य रूप से पित्त का स्थान होता है। याद रखिए मुख्य रूप से, क्योंकि हमने पहले देख लिया है कि समान वायु बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पाचन कर्म कराने के लिए। यदि समान वायु प्रॉपर गति से काम नहीं करेगी, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी, तो ना ही आपके शरीर में मलमूत्र का विभाजन होगा, ना ही भोजन का पाचन होगा। तो इम्पॉर्टेंट है पाचक पित्त, उसकी सहायक होती है समान वायु जो हमने पहले पढ़ी है। भोजन का पाचन करना, प्रॉपर तरीके से उसका पाचन होना, फिर उसके बाद भोजन का एब्जॉर्प्शन होना, ये पित्त का एक मुख्य कर्म होता है। यदि पित्त आपके शरीर में सामान्य अवस्था में नहीं है तो आपको पाचन से संबंधित बीमारियां होंगी, दर्शन से संबंधित बीमारियां होंगी, आंखों की जितनी बीमारियां होती हैं उसमें पित्त का एक मुख्य रूप से कार्य होता है। पित्त स्वाभाविक रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो आपको नेत्र की व्याधियां होती हैं। तो वैसे ही आपको यदि पित्त स्वाभाविक रूप से वर्क नहीं कर रहा है तब आपको पाचन से संबंधित बीमारियां होती हैं। शरीर के तापमान को बना के रखना, देखने वाली एक्टिविटी का करना, पाचन कर्म करना, ये पित्त का वर्क होता है। इसके अलावा पित्त हमारे दिमाग की एक्टिविटी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम जो सोचते हैं समझते हैं इसमें पित्त का एक मुख्य स्थान। पित्त की यदि हम अन्य कर्मों की बात करें तो जो मानसिक कर्म है, जैसे कि शरीर में उत्साह को बना के रखना, हर्ष को बना के रखना, यह पित्त का वर्क होता है। एक आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ कि जो हमने पढ़े हैं ना, आयुर्वेद में तो नहीं पढ़े होंगे आपने, आयुर्वेद का स्थान है, लेकिन जनरली सुना होगा कि यार ये बड़ा सात्विक है, ये तामसिक है, ये राजसिक है। तो जो भी पित्तज प्रकृति के भोजन होते हैं ना, जो गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, उनको लोग बोल देते हैं तामसिक होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ना ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। पित्त का स्वाभाविक गुण होता है सात्विक, वात का जो स्वाभाविक गुण होता है रजोगुण। मैंने लास्ट वात के संबंध में आपको नहीं बताया था उस समय पर ये चीज़ कि जो सत्व रज और तम होते हैं उसमें जो वात होती है वो रजोगुण प्रधान होती है, जो पित्त होता है वो सत्व गुण प्रधान होता है। यानी कि जिन लोगों में जो बहुत ज़्यादा सात्विक होते हैं उसमें पित्त प्रमुख रूप से रहता है। पित्त को हम लोग जनरली समझ लेते हैं कि अरे पित्त की वजह से तो गुस्सा आता है, गर्मी दिमाग पर चढ़ जाती है, पित्त हावी हो जाता है, ये पित्त का प्रकोपित रूप है। स्वाभाविक रूप में पित्त सात्विक होता है। यदि आपने अपने पित्त को साम्यावस्था में रखा हुआ है तो आपकी मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से बड़ी सात्विक हो जाएंगी। आपको गुस्सा कम आएगा, आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी, आपको दूसरों की बातें समझने का जो पेशेंस है वो पित्त की वजह से आता है कि सामने वाले ने गुस्सा किया लेकिन आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो भाई, कि भैया ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने दो गालियां दी तो बदले में आपने उसको मारपीट करके रख दिया। लोग उससे समझते हैं कि पित्त के कारण हुआ, गर्मी बढ़ गई, पर वो नहीं है, वो पित्त का प्रकोपित रूप है। आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, आपने पित्त बढ़ा लिया। तब पित्त का स्वाभाविक गुण होता है सात्विक। पित्त जो भी पित्त वाली चीज़ें हैं वो आपके शरीर के अंदर सात्विकता को बढ़ाने का काम करती हैं। वायु का मुख्य गुण होता है रजोगुण। वात जो होती है वो चंचल प्रवृत्ति की होती है, आपके शरीर में राजसिक गुण को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारे पित्त के शरीर में फंक्शन हुए, पित्त के कार्य हुए। पित्त के कितने टाइप होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और तब हम इसके और जो फंक्शन है स्पेसिफिक पित्त के क्या फंक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।